हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना किचन। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना खीर। तो साबूदाना खीर बनाने के लिए हमने सामग्री ली है। दूध लिया है हमने 2 गिलास, शुगर ली है 1 बाउल, और काजू लिए हैं, इलायची ली है, बादाम लिए हैं, और साबूदाना लिया है 50 ग्राम। तो इन्हें हमने पानी में अच्छे से धोकर पहले गला दिया है 1-2 घंटे के लिए, और इस तरह से हो गए हैं। गैस ऑन करके पैन गर्म रख दिया हमने। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर लेते हैं। तो हमने 1 टीस्पून देसी घी डाला है इसमें। घी हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें बादाम के छोटे कटे हुए पीस डाल देते हैं, और थोड़े से मैंने काजू के इसमें पीस भी डाल दिए हैं, और इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे बादाम काजू के टुकड़े हैं, और वो अच्छे से भुन गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं 1 बाउल में। बाउल में हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, और साबूदाने जो हमारे भींगे हुए थे, गले हुए, इन्हें भी हमने इसमें हम अच्छे से भून लेते हैं, जिससे हमारे साबूदाने की खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इस दूध गर्म कर लेते हैं। दूध हमारा गर्म हो रहा है, और इसमें हमने क्रीम डाल दिया है। पाँच टी स्पून हमने इसमें क्रीम भी ऐड किया है। दूध हमारा उबल गया है, और साबूदाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे साबूदाने एकदम खिले खिले से बने हैं, और इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। हम अब हम इसे चलाते रहेंगे खीर को। लो फ्लेम पर ही हमें खीर को बनाना है। लो फ्लेम पर अच्छे से बनती है, और इसे चलाते रहिए, जिससे हमारी खीर नहीं चिपकेगी। अब इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। तो शुगर भी हमने यहाँ पर 5 टीस्पून ली है, और इलायची हमने
कुटी हुई इलायची है। इसका फ्लेवर खीर में बहुत ही अच्छा आता है। देखिए खीर हमारी गाढ़ी होने पर आ गई है। और भी ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसमें। बादाम के मैंने छोटे पीस किए हैं, ये थोड़े से डाल दिए हैं। और थोड़े पीस हमने गार्निश करने के लिए रख दिए हैं। खीर हमारी बन गई है। अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और एक बाउल में हम इसे सर्व कर लेते हैं। ठंडी होने के लिए अभी रखी हमने खीर, ठंडी हो गई है हमारी। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो जब भी मन करे साबूदाने की फटाफट खीर बनने वाली, बहुत ही जल्दी बनती है ये। और उपवास में भी इसे उपवास में भी खा सकते हैं। वैसे भी मन करे तो खीर जल्दी से हम बनाकर, साबूदाने की खीर बहुत ही जल्दी बनती है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल पर वंदना किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो हमने बादाम से यहाँ पर इसे गार्निश किया है खीर को। देखिए खीर हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी तैयार हुई है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल पर वंदना किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।